G20 की बैठक दिल्ली में समाप्त होने के बाद अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना लौट रहे हैं। पटना लौटने से पहले नीतीश कुमार से जब दिल्ली में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बैठक कैसी रही, मुलाकात कैसी रही, तो उन्होंने कहा सब अच्छा है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार को G20 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से रात्रि डिनर के आमंत्रण में बुलाया गया था और नीतीश कुमार ने बिना लाग लपेट के तुरंत हामी भरते हुए सीधे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बुलावे पर दिल्ली पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही नीतीश कुमार पहुंचते हैं, कई तरहों के राजनीति गलियारे में कयास लगाए जाने शुरू हो जाते हैं कि नीतीश कुमार एक साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, बातें बनेंगी। हालांकि तस्वीरें जो निकल के सामने आई वहाँ से, वो भी काफ़ी सुखद रही है। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ मिलते दिखे हैं, मुस्कुराते दिखे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, साथ ही साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं अश्विनी चौबे भी वहां पर नज़र आ रहे हैं। इन तस्वीरों के बाद से बिहार की राजनीति में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि नीतीश कुमार की बात जो उन्होंने कही है कि सब अच्छा है, इसका मतलब क्या निकाला जाए। G20 शिखर सम्मेलन में भारत की विरासत का अनूठा संगम देखने को मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से दिए गए रात्रि भोज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां खड़े होकर अतिथियों का स्वागत कर रहे थे, वहां उनके ठीक पीछे बिहार स्थित नालंदा विश्वविद्यालय की तस्वीरें दिखाई दे रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान G20 के कुछ नेताओं को नालंदा विश्वविद्यालय दिखाते हुए नज़र आते हैं और साथ ही साथ समझाते हुए भी नजर आए। CM नीतीश कुमार ने विदेशी मेहमानों के साथ भी मुलाकात की। इस मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी नज़र आए थे। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब बिहार आ रहे हैं तब कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय और देश की सभ्यता संस्कृति से सभी को अवगत कराया है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी नालंदा में पर्यटन विकास को लेकर विशेष लगाव रहता है। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषज्ञों का कहना है कि नालंदा विश्वविद्यालय आने वाले समय में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के लिए और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दोस्ती का प्रमुख कारण बन सकता है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं हो सकती है। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया की सबसे शुरुआती अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है। यह भवन भारत की उन्नत शैक्षणिक व्यवस्था और वसुधैव कुटुंबकम को दर्शाता है। यह यूनिवर्सिटी प्राचीन भारत की प्रगति को दर्शाती है। इतिहासकार बताते हैं कि भारत में उच्च शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण और विश्वविख्यात केंद्र था और इसीलिए तो नीतीश कुमार ने नालंदा विश्वविद्यालय को भी एक तरीके से नीतीश कुमार के दोस्ती के पहल के लिए आगे बढ़ाया है। फिलहाल ये वीडियो देखिए जब नीतीश कुमार पटना लौट रहे हैं दिल्ली से, तब उनसे जब सवाल किया गया है तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे से, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार।